नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं दुमका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस दिवस को एक संकल्प के रूप में ले, ताकि हम आपके सहयोग से हम मिली चुनौतियों को एक अवसर के रूप में स्वीकार कर झारखंड को बेहतर और विकसित राज्य बना सकें। कई सौगात मिले दुमका वासियों को। वहीं आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल का उद्घाटन किए बच्चों की तैराकी के लिए। कहा कि छोटा ही से ही है, शुरू किया हमने, लेकिन हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि दुमका उपहास का शिकार बनते आया है, तो अब होगा दुमका का विकास। और जो भी सरकारी जमीनें हैं, अब बिना अनुमति का नहीं होगा कोई भी कार्य। अब सरकार के जमीन पर सरकार की अनुमति के बिना निर्माण कार्य नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने यह संकल्प दोहराया कि झारखंड के शहरों को कंक्रीट और जंगल नहीं बनने देंगे, शहर को हरा भरा बनाएंगे और साफ सुथरा भी रखेंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए आम लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी निभाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि राज्यवासी सरकार के विभिन्न अंग के रूप में उन्हें अपना पूरा सहयोग करेंगे। तो जिस तरह से शहर के कुछ क्षेत्रों में आपसी भाईचारा को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको भी लेकर के कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने इशारों में बात की कि हम आपसी मतभेद न करें, एक दूसरे को समझें और सरकार का सहयोग करें। क्या दुमका में लोगों से बातें उन्होंने की, क्या दुमका वासियों को सौगात दिए? हम आइए चलते हैं और सुनते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री को क्या कहा उन्होंने दुमका से। खास करके वहां से उन्होंने जो कहा, अवैध निर्माण वालों को अब घर नहीं। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। तो शुरुआत है। हाँ, ये बात सही है कि दुमका संथाल परगना हमारा कर्मभूमि है और दुर्भाग्य से ये क्षेत्र पिछड़ा भी बहुत अधिक है। कई मायने में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और सभी चीजें, अभी बहुत बातें रखने की आवश्यकता नहीं। और मैं भी, जहां बातें रखनी है वहां बातें रखी जाए, जहां काम करने की आवश्यकता है वहां सिर्फ काम किया जाए, मेरा ये मानना है। अभी हमें काम करने की जिम्मेवारी मिली है। वैसे तो आज शहर में यहाँ के शहरवासियों को, यहाँ के लोगों को एक स्विमिंग पूल मिला है। बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन एक पहला कदम है, कोई बात नहीं। बहुत सारी चीजें कड़ी जुड़ती जाएंगी, जुड़ सकती हैं इससे भी। मुझे यहां आने के बाद पता चला, थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया था मैं कि किन किन कार्यक्रमों में जाना है। वाटर पार्क या कुछ इस तरीके का मुझे किसी ने बताया, तो मुझे लगा कि ये डैम के आसपास ही कहीं कोई कार्यक्रम है, लेकिन ये बीच शहर में था, इसकी जानकारी नहीं थी। जब मैं बीच शहर में आया, जब जानकारी मिली, तब मैं थोड़ी सी अपनी सोच को पीछे ले जाने का कोशिश किया, तो संबंधित विभाग के लोग हमसे प्रोजेक्ट बिल्डिंग में भी मिले थे और इस तरीके की कुछ योजनाओं के बारे में जिक्र भी कर रहे थे, तो मुझे लगा कि उसी से संबंधित ये कार्य है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हमने अभी राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में और राज्य के सभी विभागों को एक आदेश दिया है कि शहर के अंदर किसी भी विभाग का कोई भी जमीनें हैं, अगर वो खाली पड़ी हैं या कुछ बिल्डिंग बनी है, पुरानी बिल्डिंग है, उन सभी का विवरणी हमने मांगा है और सरकार के अनुमति के उपरांत ही अब शहरी क्षेत्रों के अंदर किसी भी कंस्ट्रक्शन का काम करने का इजाजत दिया जाएगा। वो इसलिए,
क्योंकि मैं देख रहा हूं जिस तरीके से शहर को हम लोग कॉन्क्रीट के जंगल में बदलते जा रहे हैं, आने वाला समय शहर के लिए बहुत अच्छा नहीं। आज दिल्ली को देख लीजिए और महानगरों को देख लीजिए, जहां पर कॉन्क्रीटों को जंगल खड़े हो चुके हैं और आज वहां लोग मौत के मुंह की ओर जा रहे हैं। हम वो व्यवस्था नहीं खड़ा करना चाहते। आप शहरवासियों को भी इसमें हमारे साथ सहयोगी बनना पड़ेगा। शहर को भी हरा भरा साफ स्वच्छ रखना पड़ेगा। गली मोहल्ले के अंदर में भी सरकार की एक जिम्मेवारी है, सरकार अपनी जिम्मेवारी निर्वहन भी करेगी, तय भी करेगी, लेकिन जब तक सरकार की जिम्मेवारी के साथ उससे जुड़े लोग भी उसका साथ ना दे तो शायद उन कामों का कोई अर्थ नहीं है। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी अपूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अभी अभी हम लोगों ने इस सभा में एक प्रतिज्ञा ली। निश्चित रूप से हम भारतवर्ष के नागरिक होने के नाते हमारे लिए इस देश के कुछ तारीफ ऐसे हैं जिनको शायद जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उसको याद रखा जाएगा, उसको कभी नहीं भुला पाएगा। चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे वो 15 अगस्त जैसे महत्वपूर्ण दिन हो, ऐसे अनेकों तिथियां हैं। और विशेषकर तो हमारे इस राज्य का तो ऐतिहासिक उत्सव है। झारखंड पहले से ही वीरों का प्रदेश रहा है, चाहे सिद्धू कानू बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, फूलो भानो, पिकेट उमराव, नीलांबर पीतांबर, तिरंगा खड़िया, अनगिनत ऐसे लोगों का नाम आप लोग इतिहास के पन्नों में देखते होंगे जो हमारे इसी राज्य में जन्म हुए और इसी राज्य की मिट्टी के लिए, इस राज्य के जनमानस के लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं। हमें ये गौरव महसूस होता है कि आज हम उस वीर भूमि के पुत्र हैं जहां अनेकों सिपाहियों ने हमें बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस प्रदेश को बचाने के लिए, इस देश के समाज संस्कृति धरोहर को बचाने के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। आज हमारे इस देश की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तहजीब, ये एकता
इस देश का ही मिसाल नहीं बल्कि ये ताकत पूरा देश पूरा दुनिया इसका लोहा मानता है। विविधताओं से भरा हुआ ये प्रदेश ये देश आज कहीं ना कहीं हमें ये खुशी देती है कि विभिन्न प्रांतों में विभिन्न गांव में विभिन्न कस्बों में आज आजादी के बाद से अब तक अनेक वर्ग अनेक धर्म एक साथ कंधे से कंधे मिला करके चल रहे हैं। दिवस हर वर्ष आता है और इस बार भी हम लोग के सामने ये अवसर मनाने का हमें मौका मिल रहा है। आज इस अवसर पर राज्यवासियों के साथ पूरे भारतवासियों को मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और अपने राज्यवासियों को विशेष तौर पर इस गणतंत्र दिवस को एक संकल्प दिवस के रूप में हम लोग मनाए ताकि आने वाली चुनौतियों को हम लोग बेहतर तरीके से उसको अवसर में बदलने में कामयाब हों। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को भी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं।